श्री अखिलेश यादव ने अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं मानता हूं अगर अखिलेश जी को विश्वास होता कि 5 साल के उनके कार्यकाल के बूते पर वो दोबारा चुनकर बहुमत में आ सकते हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन न करते। उन्होंने गठबंधन कर दिया है, वो गठबंधन द्योतक है कि उनमें आत्मविश्वास का अभाव है, जीत के विश्वास का अभाव है। पूरे प्रदेश में लचर कानून और व्यवस्था, क्राइम के हर हेड के अंदर यूपी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में सबसे ऊपर है, और पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे वो किसान हो, छोटा गरीब हो, गांव हो, महिला हो, व्यापारी हो, सभी के सभी वर्ग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून और व्यवस्था इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट के कदम उठाकर अखिलेश जी इतने बड़े प्रदेश को झांसे में डालना चाहते हैं। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या हर गांव में 24 घंटा बिजली आप पहुंचा पाए हैं? क्या हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा पाए हैं? क्या स्वास्थ्य सेवाओं का आज के समय के अनुरूप इम्प्रूवमेंट हुआ है? क्या किसानों के धान की खरीदी होती है? क्या गन्ना किसानों को समय पर भुगतान होता है? क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या किसान के पशुधन की सुरक्षा आप कत्लखानों के गुंडों से कर सकते हैं? क्या ये सारे मुद्दों के जवाब अखिलेश जी के पास नहीं है। वो सिर्फ एक गठबंधन के सहारे पर जनता की आंख में धूल झोंक कर एक नया मैंडेट लेना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।